सब्जी उत्पादक संगठन अते संयुक्त मोर्चे दिल्ली वालों सांझा ननकाणा साहब के शहीदों इत्थे याद किया जा रहा और जिहड़ा श्रद्धांजलि समागम आ उह इत्थे रखा गया स्कूल दे विच। गलबात करदे आ इत्थों दे नुमाइंदा नाल। भाई सत श्री अकाल जी। अज समागम जिहड़ा तुसीं रख्या वा इहदे बारे की कहना चाहोगे? ये वेखो, ये साडी विरासत दा समागम आ। अज तो 100 साल पहलों गुरद्वारा ननकाणा साहब के अंदर जो अंग्रेजा के पिट्ठू महंत ही उन्होंने वालों जोड़े ककर्म किए जा रहे थे उस गुरद्वरे आजाद कराने वास्ते साडे जोड़े सिंह ने शहादत का जाम पीता वो उन्होंने गिनती 86 के करीब है और वो वड्डी गिनती जी इस इलाके अंदर स्थापित है और ही 1945 के अंदर ये स्कूल ननकाणा साहब के नेड़े साडे जिहड़ा बाबा चेतन दास की कुटिया सी उत्थे शुरू किया गया और 47 की वंड होने तो बाद वो स्कूल जिदे विच आपां खड़े हाँ जिदे विच साडे शहीदां दी यादगार बनी है ये स्कूल 1950 दे विच दोबारा इस इलाके दे अंदर शुरू किया। असी सारे इस गल ते माण करदे हाँ कि साडे वड्डिया ने एक वड्डे उस समय के महंता के खिलाफ लड़ाई देंदे हाँ शांतमई रहिंदे हुए जिहड़ियां आपणियां शहादतां दित्तियां उन्होंने 100वें वरे नूं समर्पित अज दा इह समागम है उन्होंने प्रणाम करने वास्ते ते अपना किसान अंदोलन जिहड़ा खेत ते खेती नूं बचाउण वास्ते इस वेले लड़िया जा रहा उहदे अंदर भी जिहड़े शहीद होए आ उन्होंने प्रणाम करने वास्ते ते बाबे नानक दे किरत दे फलसफे की राखी करने वास्ते अज दा इह समागम जिहड़ा उह समर्पित किया गया जिहदे विच साडे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी साडे सब्जी उत्पादक किसान जथेबंदी और इलाके के होर नामवर पतवंते जिहड़े साडे सज्जण आ वो सारे जिहड़े अज दे इस प्रोग्राम के अंदर शमूलीयत कर रहे हैं और असी उन्हां शहीदां नूं प्रणाम करके इस गल का अहद करन वास्ते अज दा समागम रचाया कि जिहड़ा अंदोलन लड़िया जा रहा इन्हां दे राहां ते चल के असी वो अंदोलन जित तक पहुँचावांगे यही इन्हां शहीदां नूं अज दे समें दे अंदर सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं इस स्कूल का प्रधान है मैनेजमेंट का रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बलदेव सिंह। ये स्कूल एक्चुअली जिथों ननकाणा साहब के शहीद अरदासा सोध के गए थे कुटिया बाबा चेतन दास और उसके बाद शहीद हो गए लागले पिंड निजामपुर के जिन्हें भी पिंड से उन्होंने शहीदों की याद में स्कूल 1944 उत्थे कुटिया बाबा चेतन दास बना दिता सी वंड होई उहदे बाद जिहड़े सी उत्थों दे वसनीक लागले पिंडां दे उह सारे उठ के इधर आ गए क्योंकि इत्थों पाकिस्तान गए सीगे असीं इधर आ गए इत्थे फिर साडे वड्डिआं ने क्योंकि एक बहुत वड्डा साका सीगा साडे इतिहास दा उहदी याद विच फिर इत्थे दूजा स्कूल स्थापित किया गया वो अज भी पाकिस्तान चल रहा है इत्थे 3.5-4 किले जमीन खरीद के ये स्कूल इस्टैबलिश किया गया। पहला तो सानू माण है भी साडे परिवार उन्होंने वेख्या जिहड़े इस मूवमेंट में शहीद होए मेरे परिवार जिहड़ा वड्डा बजुर्ग ही वो इन्हां दे नाल उन्होंने निघ माणिया जिहड़े इत्थे साडे 22 शहीद साडे फतेहपुर निजामपुर के शहीद होए सी इह निजामपुर इत्थों उठ के पाकिस्तान विच गया है वो चक नंबर 108 का वजदा है उस चक उन्हां दा 100 साल बीतन तो बाद अज भी उवें ही सारे उस दिन जो मूवमेंट सी उत्थे सारे घरां च रोणा पिया सी पर अज जिहड़े उन्हां दे परिवार आ तीजियां पीढ़ियां आ गईआं वो खुशी महसूस कर रहे माण महसूस कर रहे भी साडे परिवारां दे विच्चों ये निकले सी तो उन्होंने उन्हां दा माण मिल गया ये सारा स्टाफ खलोता है ये भी माण महसूस करते भी अहीं उस स्कूल दे है अध्यापक आ बच्चों दे रहे विद्या दे रहे हैं जिन्होंने जिन्होंने इन्नी वड्डी शहादत दित्ती सी ये सारी मैनेजमेंट कमेटी तुसीं हुणे उन्हां नाल गलबात की ये भी अपने आप माण महसूस करते हैं भी अहीं उस प्रबंध चला रहे हैं पर मैं तुहाडे राहीं एक दसना चाहुंदा वां कि उदों उन्होंने बड़ी हिम्मत करके पहला उस निजामपुर के स्कूल इतों पाकिस्तान चो इतने लिया के बनवाया पर इस वक्त इस स्कूल की जी स्टाफ वालों मुश्किल आ जा कमेटी वालों हालात बहुत नाजुक आ बच्चे तो जितने घट ही है माली मदद भी नीमक त्यों भी मिल रही ना स्कूल सरकार वालों मिल रही है ना श्रोमणी कमेटी वालों मिल रही है तो असं मैं तो यहोडे राही बेनती करूँगा भी जितों तक भी तेजे चैनल की आवाज़ आती है भी उन्होंने पता लगे भी जो भी कोई NRE आ वो इन्हों की मदद करे स्कूल अगे वधाया जाए तो नाल दी नाल इह मूवमेंट जिहड़े अपने शहीद होए आ उन्होंने उह कर विखाया जो अज दे जिहड़े किसानी अंदोलन में चल रहा वा भी बिना हथियार चुक के वो जित करके साडे सामने 100 साल पहला एक एग्जाम्पल दित्ती सी तो असीं चाहुंदे आ भी जिहड़े भी इह इलाके दे आ वो भी इस जिहड़ा संघर्ष चल रहा किसानी विच उह च शमूलीयत पाउण
तो वह भी उवें ही शांतमई रह गए क्योंकि जो 26 का कांड होया वा किराया भावें सरकार वालों गया पर अं स्टैप डाउन आ गए काफ़ी पिछे आ गए नहीं तो अं अज जित प्राप्त करके जिमें कि अज इन्हां दे माण कर रहे सारे इलाके के लोग साढ़े दे माण करते होने भी ये चीज़ करके आए आ ये चीज़ की है असं यही सारे कहोंगे जिहड़े नौजवान भी सुन रहे भी जाओ उत्थे वध तों वध योगदान पाओ तां जो आपां इहनूं जित के फिर जिवें साढ़े आ 100 साल पहला शहीदां ने ननकाणा साहिब का कब्जा ले लिया भावें अपनिया जाना दे दित्तियां पर कब्जा लैके जित प्राप्त करके आई जदों कि एक बंदे अंग्रेज़ सरकार ही अज कहण नूं तां साडी सरकार आ पर वो इस वक्त अंग्रेज़ां तों भी गांह लंघ चुकी है। बस मैं यही बेनती करदा वा कि जिथे भी कोई सुन रहा बाई एयर उन्होंने ये आ भी इस स्कूल ना मैनेजमेंट ना जां स्टाफ ना इन्हां दी मदद की जाए स्कूल नूं क्योंकि एक निशानी रह गई साडे को जिहड़े शहीद आ बाई ये साडे पिंड दे बाई शहीद होए उन्हां दी इक्को निशानी रह गई ये स्कूल उन्हूं इनू खत्म होने तो बचा लिया जाए। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतह। मैं प्रिंसीपल परमजीत कौर गुरु नानक खालसा शहीदी सैकेंडरी स्कूल फतेहपुर राजपुता सब तो पहला अपने वालों स्टाफ वालों और समूह बच्चों वालों समूह पतवंते सज्जन जो अज साढ़े को शहीदा की यादगार मनाने लिए पहुँचे उन्होंने जी आया आखदी हाँ और असी सारे स्टाफ अपने आप नूं बहुत सुभागा मानते हाँ कि इन्नी लसानी शहीदी देने वाले शहीदों की यादगार च जिहड़ा इंस्टीट्यूट स्थापित है असी उत्ते अपनियां सेवावां जिहड़ियां निभा रहे हैं पर जिवें कि सारे मैनेजमेंट होर पतवंतियां ने तुहाडी नॉलेज लिया कि आर्थिक तंगियां नाल जूझ रहा है साडा स्कूल इस करके मेरी रिक्वेस्ट आ सारे ही जिहड़े इत्थों दे ओल्ड स्टूडेंट रह चुके आ चंगीआं चंगीआं पोस्टां ते काम कर रहे आ जां विदेशां च रह रहे आ कि वह अपनी इस संस्था नूं फिर पुराने पद्धर ते होर उचाइयां नूं छूवे उहदे लई सानूं आर्थिक मदद की लोड़ आ वध तों वध जिहड़ा वा अपना जिन्ना भी उन्हां को हो सके योगदान पाउण यही सारे इलाके की और सारे सज्जणां की जां जिहड़े स्टूडेंट रह चुके आ उन्हां दी इन्हां शहीदां नूं सच्ची श्रद्धांजलि होगी क्योंकि ये इंस्टीट्यूट उन्हां दी जिहड़ी आजाद च स्थापित किया गया वा और इहदियां बुलंदियां नूं छूना उन्हां नूं सब तों वड्डी श्रद्धांजलि आ। धन्नवाद। हाँ जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं तो मोटे शब्दों के एको ही गल कहनी चाहना भी जेडे उस टाइम से इस धरती तो 1819 अपना 90 के 85 के उठ के साडे बजुर्गों ने उधर जाके जो निजामपुर जेडे उस धरती बात किया जी लहर पैदा हुई भी उन्होंने सानू इन्ना माण है अज सानू अपने बजुर्गों के उत्ते उन्होंने उस टाइम से आज़ादी का मुढ़ बधा और शांतमई रह के जिहड़ी साडी गुरु परंपरा सी उहदे उत्ते उन्होंने चल के जिस ढंग दे नाल उस टाइम एक हल वाहुण वाले बंदिया ने उन्हां जाबर का मुकाबला किया तो अंग्रेज़ सरकार नूं हिला के रख दिता तो साडी जिहड़ी हिंदुस्तान की राजनीति उहदा आज़ादी का मुढ़ जिहड़ा उन्हां ने बधा और बड़ा मेहनत नाल मेल कट्ठी करके एक स्कूल उन्होंने चलाता कुटिया बाबा चेतन दास जिला शेखूपुरा पाकिस्तान में जड़ा कि 47 च मुल्क की वंड तो बाद इधर आ गया वह साड़िया जो पैलियां आईया उदो स्कूल भी नाल आ गया यो स्कूल 1950 तो लैके इतों बड़े वधिया ढंग नाल चल रहा अगे भी सारे दस्या पहलों तो बहुत वधिया सी पोस्टां सरकार दिंदी सी हुण 19 साल हो गए ने पोस्टां ते बैन लग्या वा ते सरकार पोस्टां का प्रबंध कोई नहीं फीसां माफ करतियां पोस्टां देनियां नहीं स्कूल चलाउणे औखे हो गए आ इह बेनती करदे आ सरकार नूं होर भी जिहड़े अदारे भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आ उन्हां नूं भी इस स्कूल की बांह फड़न अगे भी श्रोमणी कमेटी कुछ करती रही है पर हुण उस तों बाद 100 साल हो गए आ हुण उन्हां दे शहीदां दे दिहाड़े दे आउण भी वह भी इत्थे आए सीगे पर असीं ऐतकी चाहुंदे सी किसान जथेबंदियां साडा इलाका साडी मैनेजमेंट कमेटी साडा स्टाफ बच्चे रल मिल के मनाईए और एक काज भी उन्हां काजां नाल रलदा मिलदा वा जितना साडे बजुर्गों ने खाली हथ जा के ननकाणा साहब का कब्जा लिया सी हुण भी साडियां किसान जथेबंदियां जिहड़ियां खाली हथ जा के देखो किन्ना नुकसान हो गया पर अजे भी डटे आ ते मैं बहुता ना बोलदा आ मैं उन्हां बजुर्गों नूं शहीदां नूं 100 साल होण ते कोट कोट प्रणाम करदा जी की फतेह। मेरे तो पहलां सारे ही भुलारिआं ने इत्थों दे इतिहास बारे पली भां दस्सदा मैं एक ही बेनती करूँगा कि उस वेले उन्हां सिंघां ने अपने पुरखियां दे अपने गुरुआं दे चलदे सिधांत ते चल के
पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज के सिद्धांत से चल के शांतमई ढंग अपना प्रोटेस्ट करके तो वह गुरद्वारा जरा जिथे घोर अपराध हो रहा है उन्होंने मुक्त कराया। असी 100 साल उन्हें बीते थे उन्होंने कोट कोट प्रणाम करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो जी आ जे इस वे नाम पढ़ रहे जो शहीदी लाड़ते ये उन्होंने शहीदों के नाम आ जिन्होंने शांतमई रह गए तो जोड़ा कुकर्मी महंत ही वो को गुरद्वारा ननकाणा साहब जो आजाद कराया तो ये गुरद्वारा साहब आजाद करा के उन्होंने समुचे गुरद्वार का जोड़ी आजादी से करप्ट महंता तो वापस लैन की जी मुहिम से श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के श्रोमणी अकाली दल की उसनों उन्होंने हलारा दिता सी। जड़ा महाराजा रणजीत सिंह तो बाद राज तो बाद सिख कौम जड़ी निराशा की हालत में सी उदासी की हालत में सी इस शहीदी साके ने उन्होंने फिर उच्च ग्याड़ी पैदा कर दी कि अं अपना सिर उच्चा करके जड़ा वा वो जिंदगी बतीत करनी आ। बाणी में लिखा वा जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता खिश खाए। इस करके इज्जत वाली जिंदगी सिर उच्चा करने वाली जिंदगी बतीत करने वास्ते अपने जानो प्यारे जे गुरधाम से उन्होंने कुकर्मी महंता तो याद कराने वास्ते इन्होंने शहीद सिंह ने शांत भी रह के जोड़ा अपना खून डोलिया जिदे करके महात्मा गांधी भी उत्थे आ के इन्हों शहीदों सलाम करके गया सी। बाद जिथे जाता सी तो भाई लक्ष्मण सिंह तो भाई टहल सिंह की उदाहरण दिता सी भी जिन्ह ने एडा वड्डा कारनामा किया वा हुण साडी आजादी कितने दूर नहीं सी। मैं बलजीत सिंह इस स्कूल का वाइस प्रैजिडेंट मैं असी सारे तकरीबन जिन्हें भी मैनेजमेंट के इतों सारे इतों के पढ़े लिखे इतों के प्रोजेक्ट हैं असी एस जी पी सी मैं बाकी शहीदों बारे स्कूल बारे सब कुछ दसया गया सारे विद्वानों ने दस दिता सजना मित्रों ने मैं कहना चाहता वा अपने जोड़े इतों के देश विदेश बच्चे तो इतों के पढ़े लिखे बंदे ने उन्होंने कहना चाहता कुछ स्कूल की मदद की जाए क्योंकि इस वे एस जी पी सी कह चुके हैं फाइनैशियल पोजिशन साड़ी कोई एड्डी स्ट्रोंोंग नहीं गई हैगी जिन्ना कि शहीदा स्कूल की होनी चाहिए है यदा लैवल उच्चा चुकने वास्ते फाइनैशियल पोजिशन वास्ते मैं अपने सज्जा मित्रों कहना भी स्कूल की मदद की जाए। साढ़े स्कूल के टीचर भी बड़े घट ने उन्होंने क्योंकि सू तनखावान दॉब्लम ने इस करके जिनी मदद हो सकती है एस जी पी सी वालों मैं तो मध्य कहना चाहता एस जी पी सी कहना चाहता अपने सज्जा मित्रों कहना चाहता इतों के पढ़े लिखे सज्जा भी साड़ी मदद की जाए स्कूल की मदद की जाए। थैंक यू।